थोड़ा सा अपनी मीम याद आ रही है, अपने फोर स्टार कैफे की मीम है हाँ कि जी अफगानिस्तान ने रूस जैसे मुल्क के और अमेरिका जैसे मुल्क के छक्के छुड़ाए, और आज मुझे फख्र है पाकिस्तान की टीम पे कि उनके छक्के छुड़ा दिए। वाह 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 भाई, जिन्होंने हाँ रूस के छक्के छुड़ाए, अमेरिका के छक्के छुड़ाए, पाकिस्तान ने उनके छक्के छुड़ा दिए। वेल डन जी बॉयज, एक दफा क्लैप हो जाए जी पाकिस्तानी टीम के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फोर स्टार कैफे में खुश आमदीद। मैं हूँ यूसुफ बुखारी, अब्दुल मनान, मैं हूँ मसूद अहमद राजपूत, और मैं हूँ नवीद अंसारी। आज एक और खुशी का दिन हमारे लिए कि हम अफगानिस्तान से भी T20 वर्ल्ड कप का मैच जीत गए। तालियां पाकिस्तानी टीम के लिए। बहुत मजा आया जनाब, और बड़े दिल भी धड़के, और एक दफा तो यूं ही लग रहा था कि बस गए गए, गए। लेकिन बाद में मुझे जो है वो बैयाना तौर पे हमारी जो चुड़ैल है, चिड़ी है और रिपोर्टर है, उसने बताया कि ये हमने भाई जानबूझ के किया था, टेंशन मत लो। हमने न्यूजीलैंड और इंडिया को चिढ़ाने के लिए कि यार दूर फिटे मुंह, तुम लोगों से 130 क्रॉस नहीं हो रहे मर मर के, और देखो अफगानिस्तान जैसी टीम ने 147 स्कोर जो है वो बना डाला। बहरहाल जी वेल डन, गेम गेम है, हर दिन का स्कोर और चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। जो मीम्स आई हैं आज हम फोर स्टार कैफे में आप लोगों के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। जी मनान, मसूद, शाहजी बताइए कि क्या क्या मीम्स हैं। जी पहले मीम चेक करें जी, कहता है आसिफ अली अफगान बॉर्डर का मसला हल करते हुए। अच्छा वो देखो बैट, उसने देखो किस तरह पकड़ा हुआ। बैट पकड़ने के स्टाइल से ये मीम है, लगता है आज जो जिसने शेयर किया है वो लिख रहा है कि आम तौर पर क्रिकेट में हमेशा सट्टा लगता है, लेकिन अफगानिस्तान जिस तरह खेल रहा है ऐसे लग रहा है कि इन पर नस्वार नस्वार की शर्त लगी हुई है। अच्छा इससे पहले ऊपर मोहसिन शेख का भी एक है कि लगता है आज नस्वार की शर्त जीत जाऊंगा। पाकिस्तान पे उसने नस्वार की शर्त लगाई हुई थी, या फिर उस पर अफगानिस्तान अफगानिस्तान में लगवाई हुई थी, तो फिर हार गया बेचारा। अच्छा वो स्कोर बनाना शुरू कर दिया था, और आप देखें ना कि लास्ट जो 3-4 ओवर पाकिस्तान ने किए हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हसन अली का ओवर जो बिल्कुल बहुत ज्यादा मार पड़ी है, बड़ी मार पड़ी है, एवरेज बहुत ऊपर गई है, और कोई विकेट उस वक्त नहीं मिली। बिल्कुल स्टार्ट में बड़ी अच्छी विकेटें निकाली हैं। मैं ये सोच रहा था कि शायद 100 भी ना बने, लेकिन 35-5 थे ना मेरे ख्याल में, हो गए थे 35-5 हो गए आखिरी 5 ओवर्स में। उन्होंने स्कोर बहुत स्कोर डाला है, उन्होंने बिल्कुल डाला है। इवन शाहीन अफरीदी को भी उन्होंने रगड़ा लगाया है, और मैं एक और चीज मैंने देखी कि शाहीन अफरीदी भी पहुंचा हुआ था मैच में, इसके बड़े प्यारे क्लिप्स थे, और मैं तो सोच रहा था यार आजा मैच में, सिर्फ अंदर आता था और बूम बूम के नारे होते खिलाफ, और इंशाल्लाह खेलेंगे। मजा इंग्लैंड के साथ नहीं, फाइनल तो मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ हो, एक ख्वाहिश होती है, लेकिन मुझे तो लगता है नहीं आ सकता। मुझे तो लग रहा है इंडिया क्वालिफाई नहीं करेगा, मुझे भी ऐसे लग रहा है। पाकिस्तान तो कर गया, ये भी जनाब आपको मुबारक हो कि सेमीफाइनल्स में है वो, पाकिस्तान कंफर्म कर गया, लेकिन इंडिया अगर न्यूजीलैंड से हार जाता है तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, चलिए देखते हैं अगली मीम है जी। अफगानिस्तान के खिलाफ एक ओवर में 4 छक्के लगाकर पाकिस्तान को फतुहात करवाने वाले आसिफ अली का पाकिस्तानियों से सवाल, हाँ और कुछ मेरे लाइक। यार ये पाकिस्तानियों से सवाल बनता है, मगर अफगानिस्तान से भी बनता है, और मेरे लाइक कोई गिर मत खोजा यार, 4 छक्के कमाल कर दिया अगले ने। मैं आपको सही बताऊं, ये सिर्फ ड्रामा था, इन्होंने ना कोई कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा हुआ होगा, ये ब्लड प्रेशर की ना जो कंपनियां दवाइयां बनाती है, इन्होंने पूरे पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर आसमान पे ले जाके एकदम से इन्होंने जो है ना मैच का बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद जी ये शाहीन अफरीदी के एक्सप्रेशंस आए हैं, हाँ जी, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि बिफोर आसिफ अली नॉक्स, और उसके बाद दिखा रहे हैं कि आफ्टर आसिफ अली नॉक्स। सर वाज़े फर्क है, जब मारे छक्के ओ भाईजान, ये कौम का चेहरा है, ये सिर्फ शाहीन का चेहरा नहीं है, ये कौम का चेहरा है, ऐसे ही है भाई, ये कौम का चेहरा है, इसको देख लो। इसके बाद अगला चेक कर। अच्छा जी ये कोई साहब है जो कि पता नहीं इनके साथ क्या मामला पेश आया, ये लाइव मैच देख रहे थे, ये फंस गए बाथरूम में, बच्चों ने गोली झंडी लगा दी, अब ये दरवाजा पीट रहा होगा, और वो मैच में बिजी है जी पूरा घर, खासतौर पे बेगम साहिबा, भाई साहब और फैमिली, कोई नहीं सुन रहा, वो अंदर बैठा हुआ, मुझे बाहर निकालो। आखिर उसने वहीं पर जाके जहां वो लाइव देख रहे थे वहीं पर मैसेज किया, वहीं पर मैसेज कर दिया, फिरोजा अगर मैच देख रही हो तो वॉशरूम वाला दरवाजा खोलो। बच्चों ने बाहर से कुंडी लगा दी।
वाओ इंटरेस्टिंग जी, बहुत प्यारा कमाल। आगे आसिफ अली की मीम है। अच्छा आसिफ अली की मीम आई है जी, आगे छक्के मारना है मेरा काम, आसिफ अली है मेरा नाम। यार छा गए यार, ग्रेट विक्ट्री जी, नो डाउट आसिफ अली ने हक अदा कर दिया, मजा आ गया। वो एक और मीम है जी, आज से सर आसिफ अली के पिछले सारे गुनाह माफ। मजाल है हम डराए बगैर कभी जीत जाएं। ये मंसूर अली खान साहब ने ये हर वक्त नया ट्रेंड लाते हैं। मजाल है हम डराए बगैर कभी जीत जाएं। नहीं, इंडिया का मैच हम डराए बगैर जीते थे जी, डंके की चोट पे जीते थे, और ऐसा मैच हम बहुत कम, मैंने नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कि कभी डरे बगैर हम जीते हूँ, मगर इंडिया से मैच हम डरे बगैर बॉलिंग की, डरे बगैर बैटिंग की, कोई मिसअप हुआ ही नहीं, और इससे ज्यादा क्या हो, एक विकेट नहीं गिरी यार, कुछ भी नहीं हुआ, मैच जीत गए, कोई कैच नहीं छोड़ा मैच जीत गए। इसके बाद एक और आ गई है ना, ब्लड प्रेशर वाली जो अभी बात कर रहे थे, वही जो बात कर रहा था मैं, कि तारीख गवाह है, पाकिस्तानी खिलाड़ी जब तक 22 करोड़ अवाम का ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन ना कर दे, उनको मैच खेलने में मजा नहीं आता। जी अगली मीम है, वो बहुत मजे की मीम है, उसमें ना एक अफगानी ने गन पकड़ी और फोन कर रहा है, हेलो पाकिस्तान, आसिफ अली का एड्रेस और नंबर मेरे को सेंड करो। वैसे इसमें ओ लाला माफ करो यार, माफ करो, गेम है यार, गुस्सा नहीं करो यार, कोचा क्या हो गया यार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने इन मीम्स को, इन रिएक्शंस को एंजॉय किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।